देखो बच्चों, आज हमने ग्रेविटेशन वाला लेसन पढ़ा है। उसमें हमने क्या पढ़ा कि जो जिन वस्तुओं का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है वो वस्तुएं पानी के ऊपर तैरती हैं, और जिनका घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है वो पानी में डूब जाती है। अब अमीन से देखते हैं, ये देखो नींबू पानी में डूब गया, तो इससे क्या सिद्ध होता है कि नींबू का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है। कम कैसे हो गया? नींबू का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है, इसलिए ये पानी में डूब गया। लेकिन यदि हम पानी में नमक डाल देते हैं तो पानी का घनत्व, ये देखो पानी में यदि हम नमक मिला देते हैं तो पानी का घनत्व बढ़ जाता है। और ये देखो जैसे ही पानी का घनत्व बढ़ गया तो नींबू जो है ये पानी में तैरने लगे। याद रहेगा? यस मैम।